झारखंड के राजभवन के सामने टटपास सहायक टीचर 127 दिनों से धरने दे रहे थे। इस धरने के दौरान प्रदर्शनकारी सहायक टीचर मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले थे, लेकिन प्रशासन ने सहायक टीचरों के सैलाब को पहले ही रोक दिया। टेट पास संघ के अध्यक्ष मिथिलेश उपाध्याय ने कहा कि सरकार ने वादा पूरा नहीं किया है, इसलिए वो संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं। हमारा एक दिवसीय मुख्यमंत्री आवास घेराव है और ये सरकार हमसे वादा करके आई है कि जब मेरी सरकार बनेगी तो टेट पास शिक्षकों को वेतन मान देंगे। 127 दिन हो गए, 22 अगस्त से हम बैठे हुए हैं, इनके तमाम पदाधिकारी जान रहे हैं, मंत्री जान रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी हमारी वार्ता हुई है। उन्होंने कहा आपकी मांग जायज है, हम सकारात्मक हैं, विचार कर रहे हैं, जल्द से जल्द आपकी मांग पूरा करेंगे, लेकिन हमको यह पता नहीं चलता है कि जल्द से जल्द इनका कितना दिन का होता है, महीना दो महीना। आज हमारे 2400 जिला से तमाम टेट पास साथी आए हैं, इनमें आक्रोश है और एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि भैया सैकड़ों अगर बैरियर लगा हुआ है तो हम लोग तोड़ने के लिए तैयार हैं, मारने और मारने के लिए तैयार हैं। तो वहीं झामुमो के महासचिव विनोद पांडे ने बातचीत कर टेट पास सहायक टीचरों का धरना स्थगित करवा दिया है। पांडे ने आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया है कि 5 जनवरी को सीनियर अफसरों से उनकी वार्ता कराई जाएगी। देखिए 127 दिनों से ये टेट पास शिक्षक आंदोलनरत हैं और समय समय पर हम लोगों को अवगत भी कराया गया इनके मांगों से, और इनके प्रतिनिधि मंडल भी हम लोगों के साथ में पार्टी के कार्यालय में इनके द्वारा वार्ता भी की गई। काफ़ी प्रयास हम लोगों ने किया, लेकिन इनका जो डिमांड है उस डिमांड को लेकर के हम लोगों ने सरकार के समक्ष में बातें रखी, और हम लोग हमेशा से इस प्रयास में रहते हैं कि कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति अपनी मांग को लेकर के सड़कों पर उसको उतरने का अवसर न मिले, सरकार उनकी बातों को सुने। और इस दिशा में बड़े भाई जोगेंद्र जी ने और हमने पहल किया और सरकार से इनकी वार्ता कराने का हम लोग काम करेंगे, और इन लोगों से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप लोग तत्काल अपने आंदोलन को स्थगित करें और हम लोग बहुत जल्द आपकी वार्ता सक्षम पदाधिकारी के समक्ष कराएंगे और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ निर्णय हम लोग ले करके उठेंगे। सर, ये सिर्फ आश्वासन ही नहीं ना रह जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक साल का कार्यकाल हेमंत सरकार के पास बचा हुआ है और उसके बाद फिर चुनावी मोड जो है वो शुरू हो जाएगा। नहीं, एक बात हमको बताइए कि हम तो अभी आश्वासन ही दे सकते हैं, और हम लोगों के बात पर इन लोगों ने जो विश्वास दिखाया है वो विश्वास आगे कायम रहे इसका प्रयास हम लोग करें। मतलब वार्ता हो जाएगी 5 जनवरी से पहले? बिल्कुल होगी, जब हम लोगों ने यहाँ घोषणा किया है तो वार्ता भी होगी और हम लोगों को उम्मीद है कि सकारात्मक इसके परिणाम भी होंगे। झारखंड के टेट पास 14,000 टीचरों का कहना है कि उन्हें वेतनमान नहीं दिया गया है, जबकि वो योग्यता की सारी शर्तों को पूरा करते हैं। पांडे की मध्यस्थता के बाद आंदोलनकारियों ने 127 दिन से चल रहे धरने को स्थगित कर दिया है। अब 5 जनवरी को वार्ता के बाद ही पता चलेगा कि टेट पास टीचरों को वेतनमान मिलेगा या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।